You know, I've never spoken to Elon, although I have great admiration and respect for the company he's built. स्टीव जॉब्स के द्वारा स्टार्ट की गई कंपनी एप्पल डेफिनेटली एक वेल नोन पब्लिक कंपनीज में से एक है जिसे प्रॉफिट हर कोई बनाना चाहता है। ऐसे ही लोगों में इलॉन मस्क शामिल हैं जो इस बिग एप्पल में से एक बाइट खाना चाहते हैं। इलॉन और एप्पल के बीच का ड्रामा पब्लिक की अटेंशन में तब आया जब वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर ने इलॉन की कंपनी टेस्ला के बारे में एक बुक पब्लिश की कॉल्ड पावर प्ले, जिसमें उन्होंने टेस्ला के द्वारा कहे गए काफ़ी बड़े क्लेम्स पर फोकस किया है। एंड इस क्लेम्स के अकॉर्डिंग टिम हिगिंस पावर प्ले के राइटर कहते हैं कि इलॉन मस्क एप्पल के सीईओ टिम कुक को उनकी जॉब से हटाकर इलॉन मस्क खुद एप्पल के सीईओ बनना चाहते थे। और बुक के अकॉर्डिंग ऐसा 2016 में हुआ था जब टेस्ला को अपनी कार मॉडल 3 को बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, जिसे नोटिस करके टिम कुक ने इलॉन को ये ऑफर दिया कि इलॉन को अपनी कंपनी टेस्ला एप्पल को बेच देनी चाहिए, जिस पर इलॉन ने टिम कुक को जवाब दिया हाँ और मुझे एप्पल का नया सीईओ बन जाना चाहिए। वेल, अभी तक तो हम सभी ये सुनते आए थे कि टेस्ला को अपनी कार्स मैन्युफैक्चर करने में बेशक काफ़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि फंडिंग वगैरह की कमी हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने टिम कुक के साथ मीटिंग अरेंज करने की कोशिश की थी सो दैट वो टेस्ला की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। मे बी यदि ये मीटिंग हो गई होती तो शायद इलॉन रियली में उस दिन एप्पल को अपनी कार मेकिंग कंपनी टेस्ला सच में बेच देते। वहीं अब इस न्यू बुक में ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि टेस्ला को बेचने का ख्याल इलॉन को खुद नहीं बल्कि एप्पल के टिम कुक ने इलॉन को ऑफर किया था। जब इलॉन को टिम कुक से इस तरह का ऑफर सुनने को मिला तो इलॉन का रिप्लाई तो हमने डिस्कस कर लिया, बट उसके बाद क्या हुआ? वेल, इस ऑफर की बात टिम कुक और इलॉन के बीच एक फोन कॉल पर हो रही थी एंड इलॉन के रिप्लाई देने के बाद नाउ टर्न थी टिम कुक एप्पल के सीईओ की, जिन्होंने फोन कॉल कट करने से पहले उन्होंने इंग्लिश के दो प्यारे वर्ड्स के साथ ये पूरा इंसिडेंट भुनाने की कोशिश की, इंग्लिश लोगों का फेवरेट वर्ड। तब से लेकर आज तक नॉट जस्ट टिम कुक बट इलॉन भी इस तरह की फोन कॉल आपस में होने की इंसिडेंट को झूठा बताते आए हैं। लेट अस सी कि टिम कुक का क्या कहना था जब इस इंसिडेंट के बारे में उनसे एक न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में पूछा गया। You know, I've never spoken to Elon, although I have great admiration and respect for the company he's built. And जब इलॉन को इस इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन का पता चला तो इलॉन ने भी अपना रिप्लाई सबके सामने ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, टिम कुक और मेरे बीच ना ही कभी इस तरह के टॉपिक के बारे में कभी बात हुई है और ना ही कभी हमने इसके बारे में एक दूसरे को लिखा है। हालांकि इलॉन ने पब्लिकली ये जरूर एक्सेप्ट किया कि टेस्ला के बुरे वक्त के समय उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ एक मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की कंडीशंस डिस्कस करने का प्लान नहीं बनाया था। एंड इससे पहले टेस्ला और एप्पल के बीच इस तरह की कोई मीटिंग होती, टिम कुक ने इलॉन के साथ इस मीटिंग में बैठने से मना कर दिया। इलॉन ये भी कहते हैं कि जब वो एप्पल के साथ ये मीटिंग करने की उम्मीद कर रहे थे, उस वक्त टेस्ला की कंपनी की इवैल्यूएशन आज की इवैल्यूएशन का जस्ट 6% था। भले ही इलॉन मस्क एप्पल के अगेंस्ट अपना सपोर्ट वेरियस टाइम शो करते आए हैं, बट नाउ काफ़ी जल्द एप्पल बेस्ट इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी टेस्ला के अगेंस्ट अपना न्यू एंड काफ़ी स्ट्रेंज प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में लगा है, कॉल्ड एप्पल इलेक्ट्रॉनिक कार, जिसे एप्पल 2014 से ही सबसे छिपाकर इस प्रोडक्ट पर सीक्रेटली काम कर रहा था। एंड भले ही इलॉन एंड टिम आपस में हुए फ़ोन कॉल को डिनाय करते रहें, बट एप्पल का इस तरह का प्रोडक्ट बनाने का डिसीजन मे बी उस फ़ोन कॉल पर टिम कुक की हुई इंसल्ट का बदला लेना है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? ऑल्सो एप्पल के इस न्यू प्रोडक्ट को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। इलॉन को जब एप्पल के कार बनाने के सीक्रेट के बारे में बताया गया तो इलॉन मस्क ने जर्मन न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में ये रिप्लाई दिया, अच्छी बात है कि एप्पल इस न्यू इनोवेशन का पार्ट बनते हुए ईवी कार्स पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, बट स्मार्टफोन्स की कंपैरिजन में एक कार बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है एंड 2014 से सीक्रेटली बनाया जा रहा एप्पल प्रोडक्ट अभी भी काफ़ी मिस्टीरियस बना हुआ है। एंड अपने न्यू आईफोन्स की तरह ही एप्पल अभी भी इस न्यू प्रोडक्ट के फीचर्स को लॉन्च होने से पहले तक एक सीक्रेट की तरह ही ट्रीट कर रही है।
बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कार इंडस्ट्री में बेस्ट इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के अलावा एप्पल ने अपनी कार बनाने के लिए सभी अदर कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन की हैं, बट अभी भी एप्पल को अपनी कार बनाने के लिए एक पार्टनर कंपनी नहीं मिली है। एप्पल कार को रियल करने के लिए एप्पल ने टेस्ला के एक्स एम्प्लॉयज को भी अपने प्रोडक्ट पर काम करने के लिए जॉब दी हैं। एंड एप्पल का ऐसा करने पर इलॉन का ऐसा बिलीव करना है कि एप्पल के पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेक्ट लोगों की टीम नहीं है। इन दोनों ब्रांड्स के बीच भले ही कोई कंपटीशन हो या ना हो, इलॉन डेफिनेटली एप्पल ब्रांड की रिस्पेक्ट करते हैं, जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर 2015 में सबके सामने शेयर की। सो एट द एंड भले ही एप्पल रियली में वर्ल्ड को न्यू इलेक्ट्रिक कार से इंट्रोड्यूस करवाता है या फिर नहीं, एप्पल आज वर्ल्ड में मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में से एक है, जिसकी तरह लॉयल फैन बेस बनाने की उम्मीद हर एक ब्रांड करता है। एप्पल ने अपने मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स की मदद से ऐसा नेटवर्क या फिर इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिसकी मदद से एप्पल यूजर्स अपना काम काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, कॉल्ड एप्पल इकोसिस्टम। एंड टेस्ला भी ऐसा ही कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रही है, जिसकी मदद से आज टेस्ला और स्पेसएक्स काफ़ी तरह के सीक्रेट प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि इस तरह का सोलर रूफ जो एक तरह से सोलर पैनल का काम करता है। बट टेस्ला का सोलर रूफ सोलर एनर्जी से बनी एक्स्ट्रा एनर्जी को बाद में यूज़ करने के लिए टेस्ला के पावर वॉल में स्टोर करता है, जो किसी भी तरह के नॉर्मल साइज के घर को पावर कट के टाइम एनर्जी प्रोवाइड करता ही है। उसके साथ ये एक रूफ टाइल्स का भी काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के सोलर रूफ ऐसे घरों को माइंड में रखकर बनाए गए हैं जिनकी रूफ इस तरह की होती है, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज के घर। बट अदर कंट्रीज के लिए टेस्ला सोलर पैनल्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी डिमांड हाई प्राइसेस की वजह से अभी तो कम है, बट जैसे ही लोगों को सोलर पैनल्स स्पेशली टेस्ला का प्रोडक्ट अपने घरों की रूफ पर लगाने का चांस मिलेगा, दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपना बिजली का बिल जीरो लाने के लिए मल्टीपल मीटर्स अपने घरों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलॉन बिलीव करते हैं कि किसी भी कंपनी को आज इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनोवेशन पर फोकस करना चाहिए, जिसकी मदद से ही कोई ब्रांड वर्ल्ड में अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना सकता है, जो एप्पल एंड टेस्ला काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, जिस पर मैं ऑनेस्टली काफ़ी बिलीव करता हूँ। एंड ऐसे ही इनोवेशंस को समझने के लिए काफ़ी कंपनीज को काफ़ी समय लगता है, जिसे मैं इस यूट्यूब चैनल की मदद से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लास्ट कुछ वीडियोस की रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे ये समझ आ गया है कि आप सभी को मेनली इलॉन से रिलेटेड ही वीडियोज़ देखना पसंद है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये टॉपिक मेरा भी फेवरेट है। सो आपके पास कोई भी वीडियो सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लीव योर फीडबैक। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम।